2000 करोड़ रुपए की लागत से गरीबों के लिए बनी इमारतों को खंडर बनाने में कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सिग्नेचर ब्रिज में हुए 387 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार पर केजरीवाल से जवाब मांगा है। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल गरीब विरोधी और दलित विरोधी हैं। उन्होंने आगे भी बहुत कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैंने अरविंद के झूठ का पर्दाफाश किया और मैं फिर दोहराना चाह रहा हूँ, अरविंद ना केवल झूठा है बल्कि दलित और गरीब विरोधी भी है। किस तरह से वही मैंने आज एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं इश्तिहार में कि हमने फ्लाईओवर बनने वालों पर जो फ्लाईओवर्स बने उस पर हमने पैसा बचाया और हमने फ्लाईओवर बनाए, तो पहली बात तो आरटीआई से मैंने ये प्रूव कर दिया कि वो फ्लाईओवर्स जो हैं वो शीलाजी और कांग्रेस के समय में फ्लाईओवर्स बने। जो दावे करते हैं कि हमने पैसे बचाए, तो जिस तरह से विस्तार से मैंने बताया कि कभी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है और समाप्त होने तक कुछ जो चीज़ें टेंडर में होती कई बार पूरी नहीं होती तो उसकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है, और यदि ऐसा नहीं है तो सिग्नेचर टावर पर मुझे बताएं। जो सिग्नेचर टावर अरविंद केजरीवाल ने जब सत्ता संभाली थी उसका जो एस्टिमेट था, मैं आपसे शेयर करूंगा, शायद आपको समझने में आसानी होगी। उस समय इसकी कीमत थी 1131 करोड़ रुपये। यदि 1131 करोड़ रुपये अरविंद को जब ये प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ था उस समय बनना चाहिए था। इस प्रोजेक्ट पे जो खर्च हुआ 1518 करोड़, लगभग 1.25 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुए। तो अरविंद बताए कि आप कहाँ पे सही हो और कहाँ पे गलत है। दूसरा, मैंने कहा कि गरीब और दलित विरोधी, ये कल मैं बवाना गया था, कई आप मेरे साथ मित्र भी थे, आप पत्रकार बंधु भी थे, आपने भी देखा किस तरह से राजीव रत्न आवासीय योजना का धीरे धीरे खत्म कर दिया। 300 से ज्यादा ही करोड़ है इसका काम बाकी है, 400 के आसपास ये करोड़ के आसपास ये पेमेंट है जो ज्यादा बनती है प्रोजेक्ट के कीमत से। तो अरविंद दोनों चीजों पर रुकते हैं, अपना बताएं, तय करें, बताएं कौन सी बात सही है। आपकी बात माने जो आप आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट कांग्रेस के द्वारा स्टार्ट किए गए थे, शीलाजी के द्वारा किए गए थे। एक विजनरी महिला जो इस शहर को अपना परिवार मानती थी, उस महिला को बदनाम करने के लिए आपने साजिश रची। आप जिसको अपने फ्लाईओवर बता रहे हैं वो शीलाजी और कांग्रेस की देन थी, माफी मांगे। दूसरा, आप कॉस्टिंग को लेके वाहवाही लूट रहे हैं, दावे कर रहे हैं, तो सिग्नल सर्विस में जवाब दें कि कैसे ये 350-400 का अंतर कैसे आया, ये आपको बताना होगा। ये मैं कहना चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा एक झूठा मुख्यमंत्री किस तरह से दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है, इसका मैंने आपके सामने प्रमाण रखा है। साथियों, दूसरी मैं बात कहता हूं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल गरीब विरोधी और दलित विरोधी, उसके भी मैं प्रमाण आपके सामने रखूंगा। अरविंद केजरीवाल आजकल चुनाव में व्यस्त हैं, 4-5 प्रदेशों में तूफानी दौरे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली मॉडल को लगातार दिल्ली की जनता जान रही है, समीक्षा कर रही है और मान रही है कि दिल्ली का बुरा हाल कर दिया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के साथ कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन और पूर्व विधायक श्री अनिल भारद्वाज, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री मंगत राम सिंघल और प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर नरेश कुमार भी मौजूद रहे। ये तो इसका दोषी कौन, इसकी जवाबदेही किसकी है, आखिर ये इन इमारतों को लूटा गया है, काटा गया है, वहां से ट्रांसफार्मर गए, बिजली की तार गायब है, वायर गायब है, सीवर के ढक्कन गायब हैं, गेट नहीं है, दरवाजे नहीं, खिड़की नहीं। यदि ये चोरी हो रही थी तो इनकी आंखें बंद क्यों हैं? क्या केजरीवाल की जिम्मेवारी नहीं बनती? और मैं इस दावे के साथ कहना चाहता हूँ, कोई भी इमारत अब वहाँ पर रिपेयर के साथ शुरू नहीं हो सकती, तमाम इमारतों को ध्वस्त करना पड़ेगा। यदि इमारतें ध्वस्त होंगी तो माफ़ करिएगा, इस मलबे को हटाने और तोड़ने पर भी टेंडर खर्च होगा, वो लागत अलग है। तो क्या ये अरविंद की विफलता नहीं है? क्या ये इमारतों पर जो खर्च हुआ है ये पैसे की क्षति नहीं है? ये टैक्स पेयर की जो गाड़ी कमाई गरीबों के लिए जो प्रयोग हो रही थी, क्या उनके साथ धोखा नहीं है? इसलिए मैंने कहा कि गरीब और दलित विरोधी अरविंद केजरीवाल है, झूठा अरविंद केजरीवाल है, जो पंजाब में वादे कर रहा है, आज हमने उसका सच जनता के सामने रखा।